और दोस्तों अभी मैं आप सभी को इस फोन का बेहतरीन कैमरा फीचर आप सभी को दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों वो वाला फीचर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी प्रशंसा मैंने भाई साहब बहुत ही ज्यादा हद तक कर दी है। आगे की भी क्वालिटी एकदम तगड़ी है भाई साहब, एकदम चटक बोल तो चेहरा देखो एकदम जैसे रियल हो ना वैसे ही दिखाई दे रहा। मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे गाँव में ना अगर हाथ में मोबाइल ले रहा हूँ ना तो 10 लोग भीड़ लगा रहे और भाई इतना तगड़ा फोन तेरे पास, मतलब सब लोग सोच रहे भाई साहब इतना अच्छा फोन, ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाने के लिए बेसब्री से मतलब वो परेशान हो जा रहे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, और दोस्तों आप सबकी कृपा और आशीर्वाद की देन से हम भी एकदम मस्त हैं। और दोस्तों आज ये जो हमारा ब्लॉग बन रहा है ना, अपने नए वाले फोन से बन रहा है, मतलब दोस्तों आईफोन, अरे सॉरी, वन प्लस 11 से बन रहा है। आईफोन 11 याद आ जाता है, वन प्लस 11 है मतलब। तो दोस्तों आज के ये जो ब्लॉग बनने वाला, पूरा का पूरा ब्लॉग दोस्तों हमारे इस वन प्लस 11 से ही बनने वाला है। और आप लोग बताइए दोस्तों हमारा ये अभी क्वालिटी कैसा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब दोस्तों बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी धूप भी निकल चुका है और अभी सुबह के दोस्तों 8 बज रहे हैं, शायद 9 बज रहे हैं लगभग। तो अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत खाना पीना भी कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी ना ये बाल वगैरह सब कुछ सही कराना है, थोड़ा सा छोटा वगैरह कराना है ना, मतलब बाल वगैरह देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो अभी दोस्तों मैं खाना खा लेता हूँ। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और यहाँ पर देखिए दोस्तों मम्मी जी हमारी, ये गुड्डा है ना आकृति के लिए ना, ये थोड़ा सा इसका कान फट गया था तो इसको सिल रहे हैं। ये देखिए कान फट गया था। आकृति, ये वाला गुड्डा अच्छा लगता है आपको? इधर आओ, हाई कर दो, इधर आओ, हाई कर दो आकृति, हाई कर दो। अरे अम्मा सुनो, आज हम पूरा ब्लॉग ना आज इसी से करेंगे, मतलब आज से अपनी ब्लॉगिंग ना इसी से करेंगे। अब दोस्तों हमारा ब्लॉग ना एकदम अच्छे से बनेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, मैं इसे वीडियो रिकॉर्ड करता था ना, जब सेव करता था ना उसके बाद मैं देखता था ना तो फोन में वो वीडियो रहता ही नहीं था, सेव ही नहीं होता था भाई, क्या बोले दोस्तों, हाँ हैंग करता था बहुत ज्यादा दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए दोस्तों दाढ़ी वगैरह बहुत बड़ा है ना, हम जा रहे हैं ना अभी दाढ़ी वगैरह ये सब थोड़ा थोड़ा छोटा करा लेते हैं, बाल वगैरह भी छोटा करा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम चलते हैं, बाल वगैरह छोटा करा लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देखिए अपना साइकिल निकाल लिया है, इधर ये रहे दोस्तों विजय भाई। दोस्तों नमस्ते, अभी हम चल रहे हैं ना अपना बाल वगैरह सेट कराने ना, चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग दुकान पर पहुंच चुके हैं, ये रहे भैया जो कि हमारा बाल काटने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम अपना ये बाल वगैरह सब कुछ कटवा लेते हैं। दोस्तों अभी हम अपना बाल कटवा चुके हैं, दाढ़ी वगैरह सब कुछ कटवा ली हैं, अब दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं घर। दोस्तों अभी हम अपने घर पर पहुंच चुके हैं और अभी दोस्तों मैं फटाक से नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाता हूं और एकदम ताजा हो जाता हूं, मतलब ये देखिए दोस्तों सारे के सारे इधर चारों तरफ बाल ही बाल लगे हैं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों स्नान कर लेता हूं, नहा लेता हूं। दोस्तों अभी ये अगला दिन है और कल दोस्तों मैं जैसे ही बाल वगैरह कटवा के अपना दाढ़ी वगैरह ये सब कटवा के घर पर आया तो देखा भाई लोग लगभग 20 लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने तो भाई लोग इसी समय सोच लिया आज तो वो लोग कैंसिल ही करना पड़ेगा और वही करना पड़ा। दोस्तों लगभग 15 से 20 लोग आए थे तो मैंने 15 से 20 वीडियो उनका बनवाया था, तो भाई उसी में सब कुछ टाइम लग गया, लगभग 12 बजे से शाम के 5 बजे तक उनका ही वीडियो बनाने में मेरे को सारा टाइम लग गया। और मुझे जाना था दोस्तों अपना साइकिल सर्विसिंग करवाने के लिए लगभग दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पर दोस्तों हमने अपना नया वाला साइकिल खरीदा था, तो मैं वहाँ पर भी नहीं जा पाया था, ब्लॉग नहीं बन पाया था, तो कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत तो हुआ था। लेकिन दोस्तों आज हम जाने वाले अपना नया वाला साइकिल सर्विसिंग के लिए और दोस्तों मुझे ना अपने ये नए वाले फोन की ना पूजा करना है। दोस्तों यार मतलब नया फोन लिया, इतना महंगा फोन, इतना अच्छा फोन ब्लॉगिंग के लिए, तो भाई पूजा करना है तो करना है ना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं दोस्तों एकदम नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद अपना पूजा पाठ करता हूँ। दोस्तों अभी हम नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों हमने अगरबत्ती लिया है, अभी हम जा रहे हैं पूजा करने, अपना ये जो नया वाला मोबाइल लिया है ना इसका पूजा करने। और ये देखिए दोस्तों ये हमारी मम्मी जी अम्मा, अभी हम जा रहे हैं ना जो नया वाला मोबाइल लिया है ना इसका पूजा करने ना। और अभी देखो हमको जाना अपना साइकिल वाला रिपेयरिंग कराने, जो कि 8 से 10 किलोमीटर वहां पर भी जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, चलते हैं अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, जा रहे हैं हम ना। हाँ ठीक है, मम्मी कह रही है सब कुछ मना लेना अच्छे से। हाँ ठीक है, चल रहे हैं, जा रहे हैं दोस्तों, अभी हम पूजा कर लेते हैं अपना। इधर ये रहे दोस्तों हमारे विजय भाई, हम दोनों जाने वाले हैं। चलिए विजय भाई चलते हैं, चलो चलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग यहीं पर आए हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। इधर आप ये देखिए दोस्तों, ये हमारे गांव का बरगद का पेड़, जो कि दोस्तों लगभग 200-300 साल से भी ज्यादा पुराना है। हमारे यहां गांव में किसी को भी नहीं पता दोस्तों कि ये कितना साल पुराना है। तो अभी दोस्तों हम लोग यहां पर अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। हेलो
दोस्तों अभी हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं अपना पूजा पाठ करके, और अभी दोस्तों पता है हम लोग निकल रहे हैं अपने गाड़ी का सर्विसिंग कराने, साइकिल समझ रहे हो आप लोग, यही दोस्तों हमारी प्यारी सी साइकिल। हम लोग निकल रहे हैं अपने घर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर, हमको लगभग 1 घंटा के आसपास लग जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी देखो ये रोड वगैरह सब कुछ बन रहा है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने के चांसेस है। और अभी दोस्तों देखो काफी ज्यादा शाम हो चुका है, लगभग 2:30-3 के आसपास बज रहे हैं, तो अभी दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं। ये रे विजय भाई, चले विजय भाई निकलते हैं ना, चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं। अम्मा हम जा रहे हैं ना वो साइकिल का सर्विसिंग कराने वाला, ठीक है हाँ ठीक है। अम्मी जी कह रही है जल्दी जल्दी जा और उसके बाद वापस आओ, क्योंकि कोई और मिलने भी आ सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं सीधा अपने साइकिल का रिपेयरिंग सर्विसिंग जो कुछ भी को कराने के लिए। दोस्तों जब से हम लोग घर से निकले हैं ना, तब से लगभग 5 से 10 बार ये हमारा चेन उतर चुका है, बार बार चेन उतर रहा, बार बार चेन, देख हाथों देख पूरा गंदा हो गया है। दोस्तों अभी हम लोग दुकान पर पहुंच चुके हैं, दुकान अभी हम लोग चलते हैं दुकान के अंदर और अपना साइकिल का रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ करा लेते हैं। दोस्तों अभी हमारे साइकिल की सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत इन्होंने तेल वगैरह डाला है और रिंग वगैरह जो था ना, रिंग ये वाला रिंग जो होता है, थोड़ा बहुत इन्होंने सीधा वगैरह किया है। और पता है दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं, पता है कहाँ कहाँ पता विजय? मटर समोसा। हाँ मटर समोसा, हम लोगों के गाँव में दोस्तों मटर समोसा नहीं मिलता है ना, और यहाँ पर दोस्तों मटर समोसा मिलता है, तो अभी दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं मटर समोसा खाने के लिए, बहुत मन करता है दोस्तों, गाँव में मिलता ही नहीं है। दोस्तों अभी हमने यहाँ पर देखो मटर समोसा ले लिया है, और इधर देखो भाई लोग विजय भाई ललचा जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग खान पान करके अभी शहर से बाहर आ चुके हैं, लगभग दोस्तों हम लोगों को अभी 5 किलोमीटर जाना है और हम लोग अपने घर पर पहुंच जाएंगे, तो अभी विजय भाई निकलते हैं ना। हाँ भाई चलो निकलते हैं। चल दोस्तों अभी घर पर निकलना है, अभी दोस्तों इस फोन को यूज करके आप सभी को दिखाना भी है विजय भाई, संभालो संभालो। चल दोस्तों अभी सीधे हम लोग घर चलते हैं अभी। दोस्तों अभी हम लोग अपने घर पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों भाई साहब ये आकृति को देखो, आकृति क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, चाय पी रही है ये। और ये देखिए दोस्तों ये रही हमारी दीदी जी, आज क्या बनने वाला है, मटर का सब्जी, ये घर का ही है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसको चाहो तो ऐसे खाने से पहले ही हम लोग खा सकते हैं ऐसे। बहुत कुछ इसमें दोस्तों एडवांटेज है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कहीं अच्छे प्लेस पर चलते हैं और वहाँ पर सब कुछ चेक करके आप सभी को बताते हैं कि ये वाला नया वाला फोन जो हम लिए ना कैसा है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर एक प्यारे से लोकेशन पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों घास वगैरह सब कुछ, और पीछे भाई साहब सरसों का पेड़ देखो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और अभी मैं आप सभी को एकदम मस्त वाला सीन दिखाता हूँ, ये देखिए भाई लोग सनसेट देखो कितना प्यारा सा हो रहा है, मतलब अभी दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, 5:30 के आसपास हो रहे हैं, और अभी देखो दोस्तों सूर्य कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये देखिए दोस्तों हमारे गाँव का खेत खलिहान सब कुछ कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी मैं आप सभी को इस फोन का बेहतरीन कैमरा फीचर आप सभी को दिखाता हूँ, ब्लॉगिंग के लिए सच में दोस्तों एकदम परफेक्ट है, और मेरे को तो खासकर बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अभी मैं आप सभी को दोस्तों वो फीचर दिखाता हूँ, भाई साहब आगे भी दिखता है पीछे भी दिखता है, अभी मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। ये रहा दोस्तों वो वाला फीचर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी प्रशंसा मैंने भाई साहब बहुत ही ज्यादा हद तक कर दी है, सच में दोस्तों इसका प्रशंसा करने लायक है ये। भाई साहब देखो आगे भी दिखाई दे रहा है पीछे भी दिखाई दे रहा है, भाई साहब देखो पीछे की क्वालिटी इतनी गजब दिखाई दे रही है, आगे की भी क्वालिटी एकदम तगड़ी है, भाई साहब एकदम चटक बोलते चेहरा देखो एकदम जैसे रियल हो ना वैसे ही दिखाई दे रहा, मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों अभी हम अपने घर पर आ चुके हैं, और पता है दोस्तों अभी रात के 9 बज रहे हैं, और अभी दोस्तों मैं कुछ भी खाना वाना नहीं खाया हूँ, तो सबसे पहले मैं दोस्तों खाना खा लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप सभी से काफी सारी बातें करनी है, तो सबसे पहले मैं दोस्तों पेट पूजा कर लेता हूँ। दोस्तों अभी हम अपना खाने लेकर अपने बिस्तर पर ही आ चुके हैं, और आज खाने में दोस्तों निमोना और चावल, निमोना का मतलब ये होता है दोस्तों ना उसको पीस कर कुछ इस तरह से सब्जी बनाया जाता है, तो यानी कि दोस्तों आज खाने में मटर का पिसा हुआ निमोना और चावल। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, और अभी पता है दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं, भाई साहब मैं इस समय अपना वीडियो एडिट करता हूँ ना कि रिकॉर्ड करता हूँ, पता है दोस्तों आज मुझे इतना ज्यादा लेट क्यों हो गया, रात के 12 बजे मैं अपना ब्लॉग क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रीजन ये है दोस्तों देखो हम कल जब अपना बाल कटवा के आए थे लगभग 12 बजे के आसपास, तो शाम 5 बजे तक लगभग 20 लोगों का हमने वीडियो बनवाया, भाई साहब 5 घंटे तक लगभग बोलते बोलते पेट दर्द करने लगा था, उसके बाद दोस्तों आज के दिन लगभग 10 लोग हमसे मिलने आए थे, तो लगभग 10 वीडियो आज तो लगभग 3 से 4 घंटा बोलना पड़ा था, और उसके बाद
दोस्तों हम गए थे अपने साइकिल का सर्विसिंग कराने के लिए, जो कि दोस्तों हमारे यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों साइकिल से 20 किलोमीटर दूरी सफर करने में थकान तो होगी ही, आप लोगों को पता ही दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है। उसके बाद दोस्तों जब हम घर आए तो लगभग 5 बजे के आसपास, तो हमको क्या पता चला कि भाई आज तो मेरे को लाइव आना पड़ेगा क्योंकि कल का ब्लॉग नहीं बना है। तो हमने सोचा दोस्तों कि चलिए आज लाइव आ जाते हैं 6 बजे के आसपास से। तो हम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव थे, 3 घंटे तक भाई साहब एक ही जगह पर बैठकर लाइव आए थे। इतना भी आसान नहीं दोस्तों, मतलब भाई बहुत दिक्कत होता है एक जगह पर बैठे बैठे ना, ऐसे कमर दर्द करने लगता है। 9 बजे तक लाइव करने के बाद, खाना पीना करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों अभी मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोग बताना दोस्तों अभी ये हमारा वन प्लस का वीडियो का क्वालिटी कैसा लग रहा है। और सच बताऊं तो दोस्तों इस समय ना मेरे को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। खैर दोस्तों बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है, आप लोगों को पता है। अगर आप सभी लोग ऐसे हमें प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सभी को पसंद आ रहा होगा, आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो हम तो लोगों को हम प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे, लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। और हाँ दोस्तों अभी आप लोग बताइए ये हमारा जो नया वन प्लस का ये कैमरा ना, आप सभी बताना दोस्तों वीडियो की क्वालिटी वगैरह कैसा है, आप लोग बताना। भाई सब वीडियो की क्वालिटी ऐसा लग रहा है ना जैसे मूवी की सीन दिखाई देता है ना, इसे बगीचे का सीन कोई रिकॉर्ड करो ना, कसम से इतना गजब भाई, मैं तो भरोसा नहीं कर रहा था। मैं ना सच बताऊं दोस्तों इस समय ना मेरे को ऐसा सपना लग रहा भाई, इतना अच्छा मेरे पास फोन है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे गांव में ना अगर हाथ में मोबाइल ले ले रहा हूँ ना तो 10 लोग भीड़ लगा रहे हैं, भाई इतना तगड़ा फोन तेरे पास, मतलब सब लोग सोच रहे भाई सब इतना अच्छा फोन है, ऐसे ऐसे फोटो खिंचवाने के लिए बेसब्री से मतलब वो परेशान हो जा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान लोग कि भाई फोटो खींच ले फोटो खींच ले। भाई सब सच बता रहे दोस्तों, गांव में देखिए हम जैसे नॉर्मल पर्सन के लिए या फिर दोस्तों जो हमारे उम्र के लड़के होते हैं ना उनके पास इतना अच्छा अच्छा फोन नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आज आप लोगों के प्यार सपोर्ट से मतलब भाई हमने 16 GB रैम का फोन खरीद लिया। ओ बाप रे बाप, सच में दोस्तों ये भरोसा होने लायक है, ये नहीं मतलब दोस्तों ऐसा दिन कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि भाई लोग आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाओगे कि हम 19-20 साल की उम्र में 62,000 रुपए का मोबाइल ले लेंगे। सच में दोस्तों आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया ना भाई, मैं सच में दोस्तों इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खैर अभी आप सभी लोग ये बताओ दोस्तों कि हमारा जो वन प्लस 11 का फोन है, आप सभी को बैटरी बैकअप या फिर कैमरा या फिर कुछ भी ओवरऑल आप सभी को कुछ भी बताना हो तो आप बताइएगा हमारा ये फोन कैसा लगा आप सभी को। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थकान बहुत ज्यादा हो रही, पेट दर्द कर रहा है, कसम से सच बता रहे, कसम से सच बता रहे, पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा, बोलते बोलते समझ सकते हो। लेकिन दोस्तों आज तक किसी को मना नहीं किया कि वीडियो नहीं बनाना, भले ही दोस्तों पेट बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा हो। हालांकि देखिए दोस्तों पेट दर्द कर रहा था तो मैंने वीडियो बनाने दिया तो दूर की बात है, सच बता रहे दोस्तों 4 दिन पहले मेरे को बहुत ही तगड़ा वाला बुखार था भाई सब, अगले दिन 20 लोगों को मैंने वीडियो बनवाया। भाई ऐसे पर्सन को अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो किसको करेंगे यार। तो प्लीज दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, अगर आप सभी को हमारा कुछ भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, हमारे ब्लॉग में कुछ भी आप सभी को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों हम लोग 1 मिलियन की डुबली के करीब, बाप रे बाप, लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, बाय बाय। 1 मिलियन रे बाप रे बाप, सपना ये तो यार।